ये एक लैपटॉप आया हुआ है कॉम्पैक्ट का, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है, CQ40, इसका मॉडल नंबर हो गया CQ40। ओके, ये लिखा हुआ है, दिखाई दिया CQ40। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास अगर कोई भी लैपटॉप आता है तो हम लोग क्या करना है, स्विच ऑन करके देखना है ऑन होता कि नहीं होता, ठीक है। जैसे ये ऑन हो गया, देखिए ये ऑन हो चुका है, ये वाईफाई का लीड जल गया, बट डिस्प्ले आता कि नहीं आता ये चेक करना है। उसके बाद में हम लोग को देखना है क्या इशू हो सकता है इसमें, किस लिए लेके आया है, ये यूज़र को पूछना है ताकि यूज़र कुछ बोले, उसके बाद में हम लोग को काम करना है। तो ये तो ऑफ हो गया, तो इसका प्रॉब्लम मेरे को बोला है नो डिस्प्ले। ओके, तो नो डिस्प्ले किस किस रीजन से होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अभी एडाप्टर लगा दिया क्योंकि बैटरी से बैकअप नहीं है, ऑन होकर तुरंत बॉन हो रहा है, तो ये चार्जर लगाते हैं अब ऑन हो गया, इधर चार्जिंग लीड भी ग्लो कर रहा है, तो ये ध्यान देना है चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग लीड ग्लो करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा अपना खुद का एडाप्टर है, ओके है, इसलिए यहाँ चार्जिंग लीड ग्लो किया। और कोई यूजर का अगर एडाप्टर ख़राब है तो ये चार्जिंग लीड ग्लो नहीं करेगा ख़राब होने से, तो उसको मल्टीमीटर से चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो वो कैसे करता है चेक, वो मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। हर दिन मिलेगा अच्छा अच्छा टॉपिक का वीडियो, और वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक टेक्नीशियन होने के नाते आपको ज़रूर सारा वेराइटीज़ का आपका प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व होता है वो वीडियो दिखाते रहेंगे। तो अभी ऑन है लैपटॉप बट डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। इस तरह का इशू आने से क्या करेंगे, अभी इसको ऑफ करना है, हम लोग को एडाप्टर को निकाल देना है, निकालते ऑफ तो नहीं हुआ, ठीक है, ऑफ हो गया, देखिए बैटरी बैकअप नहीं है इसलिए ऑफ हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको फ्लैप को बॉन करना है, और बॉन करने के बाद में हम लोग को बैटरी को निकालना है, ठीक है। ये बैटरी का लॉक है, ध्यान रखना है बैटरी का लॉक, जैसे आप खींचेंगे तो अभी ये बैटरी खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हर मॉडल में नहीं होता है, और जिस भी मॉडल में होता है आप ध्यान दीजिएगा, खाली लॉक है कि नहीं है, बैक साइड में आप आते ही आपको पता चल जाएगा लॉक है कि नहीं है, ठीक है। जिसमें लॉक है वो अनलॉक करके बैटरी को निकालिए। उसके बाद में ये रैम है इसमें, ठीक है ना, ये कवर जो निकल रहा है इसमें रैम है, रैम को हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा साफ करना है और दोबारा से फिर फिटिंग करना है। इसको जैसे साफ कर लिया, मेरे पास अभी सामने नहीं है कपड़ा इसलिए अपना पेन में साफ कर लिया, ठीक है। तो आपको साफ कपड़ा रखना है या रबड़ जो होता है, और रबड़ का टुकड़ा से आपको साफ करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का फिटिंग नहीं करता है, इसी टाइप से हम लोग देखेंगे डिस्प्ले आता कि नहीं आता। ओके, बैटरी का निकला हुआ में देखेंगे बार बार कितना फिटिंग करेंगे और निकालेंगे। तो विदाउट बैटरी भी ऑन होता है, डिस्प्ले भी आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई यूजर अगर क्वेश्चन करेगा बिना बैटरी में कैसे ऑन होगा, तो बिना बैटरी में कैसे ऑन होगा, बैटरी तो बैकअप के लिए है, ठीक है ना, मेन तो हम लोग का चार्जर से ऑन होगा। तो ये देखिए चार्जिंग लीड ग्लो कर रहा है, ओके, बट बैटरी हम लोग निकाल के रखा है, तो विदाउट बैटरी भी ऑन होता है, डिस्प्ले भी आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बिना बैटरी भी क्या होगा, डिस्प्ले आएगा, ऑन भी होगा, देखिए डिस्प्ले आ गया। तो इस टाइप से आपको क्या है ना, नो डिस्प्ले इशू अगर आता है आपके पास तो हम लोग क्या करना है, पहले तो देखना है किस लिए आया है, क्वेश्चन करना है, जो भी कस्टमर है उनको क्वेश्चन करना है, जो भी यूजर है तो वो बोलेगा नो डिस्प्ले है, तो बैटरी को अनप्लग कीजिए आराम से, क्या करना है फिर साफ करना है, रैम को साफ करके दोबारा लगाइए, फिर डिस्प्ले आता नहीं आता चेक कीजिए, अगर नहीं आता है तो दूसरा अपना पास अगर कोई रैम हो तो रैम को फिटिंग कीजिए, ठीक है। मेरा तो आ गया क्योंकि साफ कर दिया, आ गया डिस्प्ले, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको भी स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, थैंक यू, बाय।